को कोई सुविधा नहीं मिला है, हम लोगों को सुविधा कहाँ मिला है अभी तक। 500 मीटर तार भी खरीदवाया, 500 मीटर तार खरीदने में कोई तकलीफ, बहुत तकलीफ हो रहा है। तार जल रहा है पूरा, तार जलने बहुत ख़राब हो रहा है। फिर पब्लिक भी बोल रहा है कि तार सही से लगाइए, नहीं तो हम लोगों को काम लाइन काट देंगे हम लोग। कितना रुपया का तार लगा? तार लगाया 18,000 रुपये का तार है अभी। 18,000 रुपये का तार लगाए हम लोग, फिर जल गया, फिर आबार दोबारा लगाए। दोबारा लगाने के बाद अभी जल रहा था, तो पब्लिक बोल रहे हैं कि तार सही से लगाइए, नहीं तो हम लोग तो लाइन कटवा देंगे, खोल देंगे। नहीं खोल देंगे तार जो नहीं दिया विभाग के तरफ से, तो आप लोग बोले कि तार हम लोगों ने हम लोग बहुत बोले हैं, विभाग में कंप्लेन भी किए हैं BDO साहब से। BDO साहब कंप्लेन किए हैं, तो कोई अभी तो कोई जवाब नहीं मिला हम लोगों को। हम लोगों को मिला है सर, हम लोगों को ये पानी का सुविधा नहीं है, लाइन लेने में बहुत तकलीफ हुआ। तकलीफ होने के बाद तार लिए 56,000 रुपये में, और पानी का बिजली का तार गिर के ज़मीन में गिर जाता है और पब्लिक को नुकसान होता है, और हम लोगों को सुविधा नहीं मिला है। और सरकार के तरफ से आवेदन दिए हैं HDO के पास, और 18,000 रुपये लिया है तार जोड़ने में, और उसके बाद में हम लोगों को सुविधा नहीं मिला है। किसान हम लोग किसानों को सरकार के द्वारा जो सेलो सिस्टम लगा करके खेती करने के लिए जो सुविधा मुहैया कराई जा रही है, उस संदर्भ में यहाँ पे कैंप लगा करके लोगों का आवेदन लिया गया, और यहाँ पे बिजली विभाग के कुछ कर्मियों के द्वारा वहाँ के लोकल किसानों को ठगने का काम किया गया है, जिसकी पुष्टि हम लोगों ने की है, और स्थानीय कुछ शिकायतकर्ताओं ने शपथ पत्र सहित अपना आवेदन भी दिया है, और वो आवेदन हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया है यहाँ के संबंधित वरीय पदाधिकारियों को, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रखंड प्रमुख महोदया द्वारा जब हम लोगों को निर्देशित किया गया, तो हम लोग गए स्थानीय पंचायत समिति के साथ उस क्षेत्र को देखने के लिए, तो देखा गया कि वहाँ पे 400-500 मीटर जो है लोकल केबल वायर केबल पे जो है तार बांस के खंभों पे कैरी करके खींच करके ले आके सोने में दिया गया है, और उससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। पूर्व में खमरोल पंचायत में घटना घटी जिसमें एक महिला और बच्चा मारा गया, कई जानवर मारे गए, इस तरह से कई जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जहां बिजली विभाग या विभागीय जो मानक है उसका अनुपालन सही से नहीं करने के कारण गलत तरीके से कनेक्शन दिया जा रहा है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि पदाधिकारियों को इसमें जितना मुस्तैद होना चाहिए। हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि संबंधित कोई भी पदाधिकारी इसको इतनी गंभीरता से इन समस्याओं को नहीं ले रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है और ये लोग बेफिक्र बैठे हुए हैं, लेकिन पंचायत समिति प्रखंड बारसोई इसको अपने पूर्ण संज्ञान में लिया हुआ है। अभी का विभागीय लोगों से बात हो रही है, हमको पूरा विश्वास है कि प्रखंड प्रमुख महोदया के तत्वधान में उनके द्वारा जो है अगर कार्रवाई नहीं की जाती विभागीय लोगों के द्वारा, तो एक आंदोलन किया जाएगा, और उसमें किसानों के हक को उनको जो है निस्वार्थ और बिना किसी लोभ लालच के उनको दिलवाया जाएगा।